हेलो एवरीवन, दिस इज सौरभ है एंड आई विल बी टॉक टू टॉप 10 क्लासेस। और आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे अभ्यास 7.2 के जो बचे हुए हमारे सवाल थे। पिछले क्लास में हमने एक से चार तक के सारे सवाल को कवर कर लिए थे। अगर आपने वीडियो नहीं देखा, वीडियो प्लेलिस्ट में उपलब्ध है और वहां से आप उसको देख सकते हैं। और आज इस क्लास में हम लोग अभ्यास 7.2 के पांचवें सवाल से स्टार्ट करेंगे। पांचवा सवाल हमसे क्या कर रहा है, आइए हम लोग उसको पढ़ लेते हैं। और हम उसको पढ़ रहे हैं, वह आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है, ऊपर कर रहा है। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड यक्ष अक्ष से विभाजित करता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। इसका कह रहा है विभाजन बिंदु तथा इसके निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो हमें कह रहा है कि जो इसका बिंदु दिया है ए और इसका एक बिंदु दिया है बी, यह हम लोगों को दिया है। बिंदु ए का मान दिया हुआ है 1-5 और बी का मान दिया हुआ है 4-5। और इसका पूछ रहा है इसका मध्य बिंदु बताइए पी, और कह रहा है कि जो पी बिंदु है वह यक्ष अक्ष को विभाजित करता है, वह यक्ष अक्ष से विभाजित करता है। तो दिया गया है, लिखेंगे दिया गया है यक्ष अक्ष से विभाजित करता है, यक्ष अक्ष से विभाजित करता है। जब यक्ष अक्ष का निर्देश दिया गया है तो यक्ष अक्ष का निर्देश वाई अक्ष पर क्या होता है, जीरो होता है। वाई अक्ष पर क्या होता है, जीरो होता है। तो जो पी का वैल्यू यहां पर प्राप्त हुआ वह यक्ष कामा कितना मिल गया, जीरो, यक्ष कामा जीरो मिल गया। और फिर कह रहा है इसका विभाजन सूत्र, विभाजन ज्ञात कीजिए, विभाजन बिंदु। तो विभाजन बिंदु का सेक्शन फार्मूला होता है विभाजन बिंदु। विभाजन बिंदु को हमें पता करना है, तो विभाजन बिंदु को पता करने के लिए इसका जो हमारा यहां से यहां की बीच की दूरी है, जो इसका यम वन है और यम टू, इसके अनुपात को भी हमें पता करना चाहिए। तो लिखेंगे माना बिंदु पी को, बिंदु पी को के अनुपाते वन में विभाजित करता है, विभाजित करता है। विभाजित करता है माना बिंदु P को के अनुपाते वन में क्या करता है, अनुपात में विभाजित करता है। तो सेक्शन फार्मूला हम लोग रख देते हैं P यक्ष कामा वाई बराबर यम वन यक्ष टू प्लस यम टू यक्ष वन अपान यम वन प्लस यम टू कामा वाई वन प्लस यम वन वाई टू प्लस यम टू वाई वन अपान यम वन प्लस यम टू। अब इसका मान उठाकर रखते हैं यक्स वाई, यक्स वाई का यहां पर मान दिया है जीरो, यक्स कामा जीरो। फिर हमारा यम वन, यम वन को किसके अनुपात में, क्या अनुपात वन में विभाजित कर रहा है, तो यम वन बराबर हो जाएगा के और यम टू बराबर हो जाएगा एक। अब इसको उठाकर रखते हैं, जो यम वन का मान है एक गुणे यक्स टू का मान है हमारा -4 प्लस यम टू का मान हमारा दिया है कितना, एक गुड़े यक्स वन का मान दिया है एक बटे यम वन का मान है के प्लस वन कामा यम वन का मान है के गुड़े वाई टू का मान है 5 प्लस यम टू का मान है एक गुड़े वाई वन का मान कितना है एक, सॉरी -5 बटे के प्लस वन। अब इसको क्या करते हैं, या जो हमें मिल गया, प्राप्त हो गया बिंदु, अब इसको हम लोग इसमें यक्ष अक्ष को यक्ष अक्ष के बराबर रख देते हैं और वाई अक्ष को वाई अक्ष के बराबर रख देते हैं। तो देखो हमारा यह यक्ष अक्ष है, यह यक्ष अक्ष है, यह वाई अक्ष है, यह वाई अक्ष है। लिखेंगे यक्ष अक्ष को यक्ष के बराबर और वाई अक्ष को y के बराबर रखने पर, y के बराबर रखने पर
रखने पर। देखो भाई हम लोग आगे इसके हल करते हैं, जब यक्ष अक्ष को यक्ष अक्ष के बराबर, वाई अक्ष के बराबर रखेंगे तो यक्ष बराबर हमें मिल जाएगा, यक्ष बराबर चार का गुणा एक में करेंगे तो हो जाएगा माइनस चार, एक का गुणा एक में तो हो जाएगा यहां पर के है, यम वन का वैल्यू कितना है के, तो हो जाएगा माइनस चार के प्लस वन बटे के प्लस वन, और फिर वाई को वाई के बराबर रखेंगे तो हो जाएगा कामा जीरो बराबर पांच का गुणा के में पांच के, माइनस पांच का गुणा एक में माइनस पांच बटे के प्लस वन। अब इसको इसके बराबर करते हैं, यक्स के प्लस वन बराबर माइनस फोर के प्लस वन। अब इसको भी हल करते हैं, के वन प्लस वन का गुणा करेंगे जीरो में तो हो जाएगा जीरो बराबर पांच के माइनस पांच। अब क्या करेंगे, इसकी सहायता से हम लोगों को यक्स जो हमारा के है उसका मान तो मिल नहीं सकता है, हम लोग इसकी सहायता से हल करते हैं तो हो जाएगा माइनस पांच इस तरफ आ जाएगा तो प्लस पांच बराबर पांच के, अब पांच के साथ गुणा में इधर आएगा तो भाग में पांच बटे पांच बराबर के, पांच से पांच कट गया, जो के का वैल्यू मिल गया वह कितना मिल गया, एक मिल गया। तो जो हमारा बिंदु पी का निर्देश था यक्ष कामा जीरो, हमें उसको यक्ष को भी अभी पता करना है। अब इसका जो अनुपात किस अनुपात में विभाजित कर रहे थे, हमने माना था के अनुपाते वन में, तो जो इसका के अनुपाते वन में हम लोगों ने माना था के अनुपाते वन में, अब जो के का वैल्यू मिल गया वह एक मिल गया और इसका हम लोगों को पहले से ही पता था। अब हमको पता करना है कि जो बिंदु पी का यक्ष अक्ष का निर्देश है, तो लिखेंगे दूसरा सवाल निर्देशांक ज्ञात करना। निर्देशांक ज्ञात करने के लिए देखो हम लोग यह जो हमारा समीकरण मिला है यक्स के प्लस वन बराबर यह है हमारा माइनस फोर के प्लस माइनस फोर के प्लस वन। अब क्या करते हैं, जो हमारा के का मान मिला है उसको उठाकर यहां पर रख देते हैं, यक्स वन प्लस वन बराबर माइनस फोर गुणे वन प्लस वन। अब क्या हो जाएगा, यक्स का एक का एक में जोड़ देंगे तो हो जाएगा दो, दो का यक्ष के साथ गुणा कर देंगे तो हो जाएगा यह दो यक्ष बराबर चार का गुणा एक में तो हो जाएगा माइनस चार प्लस एक, अब माइनस चार में से घटा देंगे तो माइनस तीन, तो दो यक्ष बराबर आ गया माइनस तीन। अब यक्ष यह दो है गुणा में इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस तीन बटे दो, यक्ष बराबर आ गया हमें माइनस तीन बटे दो। तो जो हमारा यक्ष का वैल्यू था वह मिल गया माइनस तीन बटे दो, तो अतः इसका जो निर्देश हो जाएगा, अतः बिंदु पी का निर्देश, पी का निर्देश, बिंदु पी का निर्देश, बिंदु पी का निर्देश कितना दिया है, पी यक्स कामा जीरो दिया है। अब हम लोगों ने इसको जब टोटल वैल्यू कैलकुलेट किया तो हमें यक्स का मान मिल गया माइनस तीन बटे दो कामा जीरो, यही हम लोगों का क्या हो गया आंसर। इस प्रकार हमारा पहला सवाल क्या होता है, समाप्त होता है। अब हम लोग चलते हैं अगले सवाल की तरफ, छठवां सवाल हमसे क्या कहता है उसको हम लोग हल करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं छठवें सवाल पर, छठवां सवाल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, कह रहा है यदि बिंदु एक कामा दो चार कामा वाई यक्स कामा छह और तीन कामा पांच इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो यक्स और वाई को ज्ञात कीजिए। यक्स और वाई की वैल्यू को पूछ रहा है और यहां पर निर्देश दिया है छह नंबर, निर्देश दिया है ए का एक कामा दो, बी का निर्देश दिया है चार कामा वाई, सी का निर्देश दिया है यक्स कामा छः और डी का निर्देश दिया है तीन कामा पांच। कुकरा इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, समांतर चतुर्भुज को कह रहा है शीर्ष हैं। यह हमारा समांतर चतुर्भुज है, समाकारा कि यह समांतर चतुर्भुज के एक शीर्ष हो तो इसमें जो यक्स और वाई का मान दिया गया उसको बताना है, तो इसको हम लोग बोले ए बी सी डी। जो ए का निर्देश दिया है एक कामा दो, बी का निर्देश दिया है चार कामा वाई, सी का निर्देश दिया है यक्स कामा छः और डी का निर्देश दिया है तीन कामा पांच। अब क्या कर रहा है, इसके यहां पर जो हमें यक्स दिया है यक्स का वैल्यू पता करना है और जो y दिया है y की वैल्यू पता करना है। तो हम लोग सबसे पहले इसके विकर्ण को बनाते हैं,
सबसे पहले इसके विकर्ण को बनाते हैं, तो आपको यहां पर पता होगा जो इसका मध्य बिंदु दोनों का विकर्ण है, जो एसी का विकर्ण है और जो बीडी का विकर्ण है, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। ये दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। तो जो यहां पर M1 और M2 का वैल्यू हो जाएगा 1:1 में विभाजित करें, तो यहां पर जो हम लोगों का लिखेंगे एसी बराबर बीडी, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। तो इनके बराबर होने के कारण इसका जो हम लोग सूक्ष्म फार्मूला यूज करेंगे, यह समान अनुपात में विभाजित कर रहे हैं, तो यह हो जाएगा एक्स वन प्लस एक्स टू अपान टू कमा वाई वन प्लस वाई टू अपान टू बराबर। बीसी का सूक्ष्म फार्मूला हम लोग याद करेंगे, तो बीसी का सूक्ष्म फार्मूला हो जाएगा इसका भी एक्स वन प्लस एक्स टू अपान टू कमा वाई वन प्लस वाई टू अपान टू। अब हम लोगों को एक्स वन का मान दिया कितना एक, प्लस एक्स टू का मान दिया कितना एक्स बटे दो कामा वाई वन का मान दिया है दो, प्लस वाई टू का मान दिया है छह बटे दो। यहां पर एक्स वन का वैल्यू दिया है कितना चार, प्लस एक्स टू का वैल्यू कितना दिया है तीन बटे दो कामा वाई वन का वैल्यू दिया है वाई, प्लस वाई टू का वैल्यू दिया है पांच बटे दो आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यह एक्स अच है, यह एक्स अच है, वाई अच है, वाई अच लिखेंगे यक्ष अच, यक्ष अच के बराबर तथा वाई अच के बराबर। वाई अच के बराबर तब हमारा क्या हो जाएगा, हो जाएगा वन प्लस एक्स बटे दो बराबर चार प्लस तीन बराबर हो जाएगा सात बटे दो, दो से दो कट गया तो हमारा बचा एक्स प्लस वन बराबर सात, तो एक्स बराबर हो जाएगा सात माइनस एक, तो एक्स बराबर कितना आ गया छः। अब हम लोगों को पता करना है क्या कि जो हमारा वाई है वाई के बराबर है, दो प्लस छह बराबर है, दो प्लस छह आठ बटे दो बराबर वाई प्लस पांच बटे दो, दो से दो कट गया तो बचा आठ बराबर वाई प्लस पांच, तो यह प्लस पांच है इधर आएगा तो माइनस पांच बराबर वाई, आठ में से पांच को घटा देंगे बचेगा तीन बराबर वाई। अतः जो हमारा एक्स का मान है वह मिला छह और जो वाई का मान है वह मिला हमारा कितना तीन। तो जो इसका निर्देश हो जाएगा, निर्देश सॉरी निर्देश नहीं, हम लोगों को निर्देश पहले से दिया गया है बी का, बी का जो निर्देश दिया है वह चार कामा वाई दिया है और जो हम लोगों को इसका वाई का वैल्यू मिल गया चार और कामा तीन। अब हम लोगों को सी में दिया है यक्स कामा छः और यक्स का वैल्यू मिल गया कितना छः और पहले से हमारा अगला वैल्यू कितना था छः। इस प्रकार यह हमारा क्या हो जाता है आंसर। आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, वीडियो को पॉज करने के पश्चात इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, सातवां सवाल हमसे क्या कह रहा है वो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। कह रहा है बिंदु ए का निर्देशांक याद कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र दिया हुआ है दो कामा माइनस तीन तथा बी का निर्देश दिया है एक कामा चार, तो ए का निर्देश को पता करना है। कह रहा है कि ए बी एक वृत्त का व्यास है, ए सात नंबर करा ए है और एक बिंदु बी है, ए और बिंदु बी, वृत्त का क्या है व्यास है ए बी, ए क्या है वृत्त का व्यास है और इसका कह रहा है कि जो मध्य बिंदु है, जो मध्य बिंदु है वह दिया गया जिसका केंद्र हम लोग बोलते हैं पी, वह दिया है दो कामा माइनस तीन और बिंदु बी का मान दिया हुआ है एक कामा चार और हमसे बिंदु ए का निर्देश पूछ रहा है, बिंदु ए का निर्देश पूछ रहा है। तो बताइए हम लोग इसको क्या करते हैं, सूक्ष्म फार्मूला के द्वारा पता करते हैं। तो आइए सबसे पहले यह हम लोग जानना चाहेंगे कि जो हमारा एक वृत्त होता है, जो एक वृत्त होता है वृत्त के अंदर, वृत्त के अंदर जो बना हुआ जिस बिंदु से क्या होता है या परिधि होता है,
बिंदु के अंदर जो परिध बना होता है, जो त्रिज्या होती है, वो हर जगह क्या होती है? बराबर होती है। वो हर जगह क्या होती है? बराबर होती है। वृत्त के केंद्र से जो परिधि के बीच की दूरी होती है वो आपस में बराबर होती है। तो अब लोग इतना जान गए कि जो यहां से यहां तक की दूरी दिया है बिंदु P दिया है, बिंदु B दिया है। अब इसमें हम लोगों को M1 और M2 चाहिए, M1 और M2 चाहिए। तो यह इसको किस अनुपात में विभाजित करेगा? समान अनुपात में विभाजित करेगा, यानी M1 जो होगा M2 के समान अनुपात में विभाजित करेगा। और हम लोगों को पता है कि जब बिंदु क्या करता है, समान अनुपात में विभाजित करता है, तो यहां पर जो इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने का नियम होता है वह होता है पी यक्स कामा वाई बराबर हो जाता है यक्स वन प्लस यक्स टू अपान टू कामा वाई वन प्लस वाई टू अपान टू। आपको याद आ रहा होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, यक्स वन पी यक्स वाई का वैल्यू दिया है कितना, दो कामा माइनस तीन, और यक्स वन, यक्स वन का वैल्यू यहां पर कुछ नहीं दिया है, तो यक्स कामा वाई, यक्स वन का वैल्यू कुछ नहीं दिया है, इसको हम लोग मान लेते हैं यक्स वन प्लस यक्स टू का वैल्यू दिया है एक बटे दो कामा वाई वन, कुछ नहीं दिया है, इसको वाई वन प्लस वाई टू का वैल्यू दिया है चार बटे दो। अब क्या करते हैं, यक्स अच्छी, यक्स अच्छी के बराबर वाई अच्छी के बराबर रख देते हैं, तो लिखेंगे यक्स अच्छ यक्स के बराबर और वाई एच वाई के बराबर, वाई के बराबर रखने पर, रखने पर तो देखो जो हमारा यह यक्स एच है या वाई एच है, तो दो बराबर हो जाएगा यक्स वन प्लस एक बटे दो और माइनस तीन बराबर वाई वन प्लस चार बटे दो। अब क्या करते हैं, इसको हल कर लेते, हो जाएगा दो दूना चार बराबर यक्स वन प्लस वन, अब यह प्लस वन है इधर आएगा तो माइनस वन हो जाएगा, चार माइनस वन बराबर यक्स वन, चार में से एक घटा देंगे तीन यक्स वन, और इसको भी हल कर लेते हैं तीन दूना माइनस छह बराबर वाई वन प्लस चार, अब यह प्लस चार है इसको इस तरफ करेंगे माइनस चार बराबर वाई वन, अब माइनस छह माइनस चार हो जाएगा माइनस दस बराबर वाई वन। इस प्रकार जो हमारा यक्स वन और वाई वन का वैल्यू था वह हम लोगों को मिल गया, जो हमारा बिंदु ए का निर्देश था यक्स वन कामा वाई वन बराबर वह मिल गया हमें कितना, तीन कामा माइनस दस। इस प्रकार यह हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। जो हमारा सातवां सवाल एकदम सरल था वह हमारा क्या हो जाता है, आंसर आ जाता है। इसी प्रकार यह हमारा सातवां भी सवाल क्या होता है, समाप्त होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं आठवें सवाल की तरफ। आठवां सवाल हमसे क्या कहता है, तो आठवां सवाल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, कह रहा है यदि ए और बी क्रमशः है माइनस दो और माइनस तीन और दो कामा माइनस चार हो तो बिंदु पी को निर्देश ज्ञात कीजिए। कह रहा है बिंदु ए, दो बिंदु दिया है, एक बिंदु ए और एक बिंदु दिया है बी, एक बिंदु दिया है ए और एक बिंदु क्या दिया है बी। जो बिंदु ए है वह दिया गया है हमारा कितना, माइनस दो कामा माइनस दो, और बिंदु बी जो दिया है वह दिया गया है कितना, दो कामा माइनस चार, और कह रहा है इसका बिंदु पी निर्देश ज्ञात कीजिए। बिंदु पी क्या कीजिए, निर्देश ज्ञात कीजिए, और कह रहा है कि इसमें एक और नियम भी दिया है, दिया है कि जो एपी है वह तीन बटे सात ए बी है, जो एपी है वह तीन बटे सात ए बी के क्या है, बराबर है। आइए हम लोग थोड़ा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। एपी यहां पर एबी है, इसको इस तरफ बुला लो तो यह हो जाएगा एबी बराबर तीन बटे सात, क्योंकि यह एबी क्या है, गुणा में था, इस तरफ आया भाग में हो गया, तो एपी बटे एबी बराबर तीन बटे सात। अब इसको क्या करते हैं, हम लोग बराबर कर देते हैं, तो हम लोगों को यहां से एपी बराबर मिल जाता है तीन और एबी बराबर मिल जाता है कितना, सात। अब इसमें देखो जो इसको अनुपात को पता करना है, एम वन और एम टू, इसी की सहायता से हम लोग एम वन और एम टू को पता करेंगे। तो देखो जो हमारा एपी है वह मिल गया कितना, तीन, और हमें ए बी मिल गया कितना, सात, लेकिन हमें पी बी नहीं पता है, पी से पी बी, बी की दूरी हमें नहीं पता है, तो हम लोग इसको पता करने के लिए, तो हम लोग जानते हैं ए बी बराबर होता है ए पी प्लस
पीबी। अब एबी का टोटल वैल्यू दिया है 7 बराबर एपी का भी वैल्यू दिया है 3 प्लस पीबी का वैल्यू चाहिए, ये प्लस 3 है इधर आएगा तो माइनस 3 बराबर पीबी। अब 7 में से 3 घटा देंगे तो 4 बराबर आ गया क्या पीबी। तो जो हमारा यहां से यहां तक ए से पी का वैल्यू था वो हम लोगों को पता था कितना 3, लेकिन हमको पी से बी का वैल्यू नहीं पता था तो पी से बी की वैल्यू मिल गया कितना 4। तो जो हमारा यम वन है वह मिल गया हम लोगों को 3 और जो हमारा यम टू है वह मिल गया कितना हम लोगों को 4 मिल गया। अब हम लोग क्या करते हैं इसका जो बिंदु P पूछ रहा है निर्देश ज्ञात करने के लिए यक्ष कामा वाई, अब हम लोग इसको क्या कर लेते हैं पता कर लेते हैं। हम लोग सेक्शन फार्मूला को जानते हैं, सेक्शन फार्मूला हमारा क्या होता है कि जब दो अनुपात में नहीं समान अनुपात में विभाजित नहीं करता है तो सेक्शन फार्मूला जो हमारा होता है यक्ष कामा वाई बराबर यम वन यक्ष टू प्लस यम टू यक्ष वन अपान यम वन प्लस यम टू कामा यम वन वाई टू प्लस यम टू वाई वन अपान यम वन प्लस यम टू। इसी में रखकर हल कर लेते हैं, पी एक्स वाई का वैल्यू चाहिए यक्स कामा वाई बराबर यम वन का मान दिया है कितना 3 गुड़े यक्स टू का मान कितना दिया है 2 प्लस यम टू का वैल्यू 4 गुड़े यक्स वन का मान कितना दिया है माइनस 2 बटे यम वन का वैल्यू दिया है कितना 3 प्लस 4 कामा यम वन का वैल्यू दिया है कितना 3 गुड़े वाई टू का वैल्यू कितना दिया है माइनस 4 प्लस यम टू का वैल्यू दिया है 4 गुड़े वाई वन का वैल्यू दिया है माइनस 2 बटे यम वन का वैल्यू 3 प्लस 4 बराबर 3 दूना हो गया 6 4 दूना हो जाएगा माइनस 8 बटे 4 3 7 कामा 4 3 माइनस 12 फिर माइनस 4 दूना 8 बटे 4 3 कितना हो गया 7 हो गया। 6 में से 8 घटा देंगे तो माइनस 2 बटे 7 कामा 12 में 8 को जोड़ देंगे तो माइनस 20 बटे कितना 7। जो हमारा यक्स और वाई का निर्देश है वह कितना मिल गया हम लोगों को माइनस 2 बटे 7 और जो हमारा वाई का निर्देश है वह मिल गया हम लोगों को कितना माइनस 20 बटे 7। इस प्रकार जो हमारा दिया गया सवाल था 8 नंबर का वह अभी हमारा क्या हो जाता है सॉल्व हो जाता है। आप वीडियो को पॉज करके वीडियो को क्या कर सकते हैं क्वेश्चन को अपना हल करके नोट कर सकते हैं इसको अपने नोटबुक में। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमसे 9वां सवाल हमसे क्या कह रहा है, सवाल क्या कह रहा है आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि बिंदुओं ए माइनस 2,2 और बी 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित कर रहे हैं तो बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। 9वां प्रश्न दिया है, एक बिंदु ए है और एक बिंदु क्या है बी है, इसका जो निर्देश दिया है दोनों का दिया है, ए और बी दोनों का निर्देश दिया है, ए का निर्देश दिया है माइनस 2,2 और बी का जो निर्देश दिया है वह दिया है 2,8। अब इसको कह रहा है 4 भागों में विभाजित कर रहा है, 4 भागों समान में विभाजित कर रहा है तो इसके हम लोग विभाजित करने का 3 बिंदु बनाएंगे 1, 2, 3। इसको बनाएंगे सी, इसको बनाएंगे डी और इसको बनाएंगे ई। अब इसको 4 भागों में विभाजित कर रहा है यानी जो इसका अनुपात है वह 1, 1, 1 और कितना है 1 है। अब जब इसका अनुपात क्या है हम लोगों को पता हो गया, अब हम लोग क्या करते हैं बिंदु डी का जो निर्देश है डी, अब सबसे पहले हम लोग इसको पता कर लेते हैं कि इसका मध्य बिंदु क्या होगा। तो जब यह पता हो जाएगा तो हम लोग सी भी पता कर लेंगे और ई भी पता कर लेंगे। तो देखो यहां पर इसको यह समान अनुपात में विभाजित कर रहा है यानी यह इसको 2 खंड और इसको यह 2 खंड यानी जो इसके यम वन का वैल्यू हो जाएगा वह हो जाएगा 1 और 1 कितना 2 और इसके जो यम वन का वैल्यू हो जाएगा 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। समान अनुपात में विभाजित कर रहा है ना, तो हम लोग समान अनुपात में जब विभाजित करते हैं तो हम लोग सूत्र जानते हैं हो जाएगा डी यक्स कामा वाई बराबर यक्स वन प्लस यक्स टू अपान टू कामा वाई वन प्लस वाई टू अपान कितना 2। यक्स वन का वैल्यू दिया है कितना माइनस 2 प्लस यक्स टू का वैल्यू दिया है कितना 2/2 कामा वाई वन का वैल्यू दिया है 2 प्लस वाई टू का वैल्यू दिया है 8/2 माइनस 2 प्लस 2 हो जाएगा 0 0 2 में भाग देंगे तो 0 कामा 8 में 2 को जोड़ेंगे 10 10 में 2 भाग दे देंगे कितना आ जाएगा 5। तो डी एक्स वाई का जो वैल्यू था यहां पर वह हम लोगों को मिलेगा कितना 0,5।
यानी बिंदु डी का जो निर्देश था वह कितना मिल गया, 0.5 मिल गया। जब डी का निर्देश यहां पर मिल गया 0.5, तो हम लोगों को यहां पर अब ई का निर्देश चाहिए, तो लिखेंगे ई का निर्देश पता करने के लिए ई एक्स वाई बराबर। फिर हम लोग इसमें क्या करेंगे, सेक्शन फार्मूला जब समान अनुपात में, क्योंकि विभाजित करा या एक अनुपात एक में, जो एम वन और एम टू का वैल्यू समान है, तो इसका सेक्शन फार्मूला हो जाएगा एक्स वन प्लस एक्स टू अपान टू कामा वाई वन प्लस वाई टू अपान कितना टू। एक्स वन कितना दिया इसका जीरो, प्लस एक्स टू कितना दिया है दो बटे दो कामा वाई वन का दिया है कितना पांच, प्लस y2 का वैल्यू दिया कितना 8/2। जीरो में दो को जोड़ेंगे 2/2 कामा पांच में आठ जोड़ेंगे 13/2, दो से दो में भाग दे देंगे तो 1/13 आ गया 2, जो यानी e का निर्देश पूछ रहा था x कामा y, वह मिल गया हम लोगों को कितना 1/13। इस प्रकार हमारा इसका भी निर्देश पता चल गया, जो हमारे ई का निर्देश था इतना आ गया। अब हम लोगों को पता करना है क्या सी का निर्देश, सी का निर्देश, सी का निर्देश देखो एम और जो एम टू का वैल्यू है समान है, तो इसका जो मध्य बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा एक्स कामा वाई, वह हो जाएगा एक्स वन प्लस एक्स टू बटे टू कामा वाई वन प्लस वाई टू बटे कितना हो गया टू। एक्स वन का वैल्यू यहां पर देखो दिया है -2, प्लस एक्स टू का वैल्यू यहां पर मिला है 0/2 कामा y1 का वैल्यू दिया है 2, प्लस y2 का वैल्यू यहां पर दिया है 5/2। अब क्या करते हैं, -2/2 हो गया कामा 5/2 कितना हो गया 7/2, दो से दो कट गया हमारा आ गया -1 कामा 7/2, जो हमारा c का निर्देश था x कामा y वह आ गया -1 कामा 7/2। इस प्रकार यह हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। तो नवा सवाल भी हमारा एकदम सरल सा था जो यहां पर सॉल्व हो गया। आप वीडियो को पॉज कीजिए और वीडियो को पॉज करने के पश्चात इसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारा जो इस चैप्टर का लास्ट सवाल है, दसवां सवाल, अब हम लोग उसको हल करते हैं। दसवां सवाल हमसे यहाँ क्या कर रहा है, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। दसवां सवाल कर रहा है एक समान समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिससे शीर्ष इसी क्रम में 3.0, 4.5, -1.4 और -2.1 दिए गए हैं। दसवां सवाल कह रहा एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दिए गए हैं ए बी सी और डी। दिया गया है ए का जो निर्देश है वह 3.0 है, बी का जो निर्देश है वह 4.5 है, जो सी का निर्देश है -1.4 है, और जो डी का निर्देश है वह -2.-1 है। तो हमसे पूछ क्या रहा है, इसके बीच की जो विकर्ण का गुणन विकर्ण पूछ रहा है, तो यह इसका है विकर्ण ए से सी का विकर्ण और बी से डी का विकर्ण। जब इसको हम लोग क्या कर लेंगे, पता कर लेंगे, तो हम लोग इसको इसका क्षेत्रफल फल पूछ रहा है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे उनके विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल, गुणनफल। हम लोगों को विकर्ण पता नहीं, हम लोगों को विकर्ण को पता करना है, तो विकर्ण को पता कैसे करेंगे, ए से सी के बीच की हम लोग क्या कर लेंगे, दूरी को कैलकुलेट कर लेंगे, एसी से एसी के बीच की दूरी। जब हम इसको पता कर लेंगे, अब ए से सी के बीच की दूरी को पता करने के लिए हम लोगों को पता है इसके बीच का जो दूरी का पता करने का फार्मूला होता है वह होता है अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। तो ए सी के बीच की दूरी हम लोग अब पता कर लेंगे, एक्स टू का वैल्यू यहां पर दिया है अंडर रूट माइनस एक्स वन का वैल्यू दिया है 3 होल स्क्वायर प्लस वाई टू का वैल्यू दिया है 4 माइनस वाई वन का वैल्यू दिया है 0 का होल स्क्वायर
अंडर रूट, तीन में एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा माइनस चार का होल स्क्वायर प्लस चार में जीरो को घटा देंगे तो चार का होल स्क्वायर। अब इसको निकाल लें, चार चौके हो जाएगा कितना 16 प्लस चार चौके 16, 16 में 16 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 32। अब 32 का गुणनखंड कर लेंगे तो हो जाएगा चार चौके 16, 16 दूना 32। अब जिसका जोड़ा बन रहा है उसको करड़ी से बाहर निकाल लेते हैं तो चार अंडर रूट कितना आ गया 2। यह हमारे किसके बीच की दूरी आ गया, एसी के बीच की दूरी। अब हम लोगों को क्या करना है, जब एसी के बीच की दूरी निकाल लिया तो हम लोगों को बीडी के बीच की दूरी भी पता करना है। बीडी के बीच की दूरी, बीच की दूरी, बीडी के बीच की भी दूरी का फार्मूला हो जाएगा वही हम लोगों का अंडर रूट यक्स टू माइनस यक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। यक्स टू का वैल्यू यहां पर दिया है कितना माइनस 2, माइनस यक्स वन का वैल्यू यहां पर दिया है 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू दिया है कितना माइनस 1, माइनस वाई वन का वैल्यू कितना दिया है 5 होल स्क्वायर अंडर रूट। माइनस 2 माइनस 4 हो जाएगा माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 माइनस 5 हो जाएगा माइनस 6 का होल स्क्वायर। माइनस 6 का होल स्क्वायर करेंगे 6 छक्का 36। अब 36 में 36 को जोड़ देंगे 72। अब इसका क्या करेंगे करड़ी में निकालेंगे तो 6 छक्का 36 और 6 छक्का 36 दूना 72। अब 6 × 6 बन रहा है इसका जोड़ा तो हो जाएगा 6√2। अब हम लोगों को पता है कि जो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, हम लोगों को जो एसी के बीच की दूरी हम लोगों को पता हो गया और बीडी के बीच की भी दूरी पता हो गया। एसी और बीडी के बीच की भी दूरी क्या हो गई, पता हो गई। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके क्षेत्रफल को निकालना है तो क्षेत्रफल का बराबर हम लोग फार्मूला जानते हैं 1/2 × विकर्णों का गुणनफल। तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 × जो हमारा विकर्ण, कौन सबसे पहला विकर्ण एसी है और दूसरा बीडी है। एसी का वैल्यू हम लोगों को मिला 4√2 और जो हमारा बीडी का वैल्यू मिला वह मिला 6√2। अब देखो 4 × 6 में कर लेते 6 चौका हो जाएगा 24 × √2 का गुणा 2 में करेंगे 2 हो जाएगा 2/2, यानी 2 से 2 कट गया यानी आ गया 24। पूछ रहा है 24 स्क्वायर मीटर यूनिट, स्क्वायर मीटर यूनिट। यह हमारा आ गया क्या, इसका समचतुर्भुज का क्या क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल कितना आ गया 24 स्क्वायर मीटर क्या यूनिट। इस प्रकार हमारे जो दसवां सवाल दिया गया था वह पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए और आपको अगर कोई भी डाउट रह गया होगा इस चैप्टर के दौरान तो आप क्या कर सकते हैं, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और आपको उसका रिप्लाई दिया जाएगा। आई होप आपकी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को क्या कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और वीडियो को दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।